बारिशवा के बीच में राजा हरिचंद राजा की कथा के तो ओ सुना रही के समासा पेड़ के खेलाना में बाजी आरी गो ओ लाडली ओ तेरिया में तो चो कैब नहीं था वो गद्यांश कोई सुर देते थे जैसे अब जिस नरसी का ही गाय तो वो नैनी बाई नरसी की बेटी कह रही कि मैं भात का नौता दे आऊं अपनी सासू से तो उसको उसमें कोई कैब नहीं था वो ऐसे ही गाते थे रे नैनी बाई अपनी सासू से काढ़व से रही रे बाताड़ाए हरी तो हर मेरे ये रसिया था हमारे मीणाओं की संस्कृति थी। अब इसमें कोई तुक नहीं है कि गद्यांश कोई सुर दिया है जो बात कर रहे हैं उसी को सुर दिया है। और फिर उससे सुड्डा कैसे बना? सुड्डा ये सुड्डा हमारी संस्कृति नहीं है ये गुजरों का रसिया है गुजर गाते थे इसको हमने ये सुड्डा गाने वाले ने सुड्डा कहने लग गए उन्हें तो गुजरों का रसिया है गुजर गाते हैं इसको। और जग में बड़ी मैया जग की पालन आरे और आज सवा के बीच में मेरी नैया कर जो हाँ नैया कर जो पार भवानी भागी दौड़ी आ जा और या दंगल के बीच में मेरी नैया पार करा जा रे रे दंगला मेरे ठाकर बाबा तो रे जा तो री जो रे। मैं बहुत पब्लिक में गाऊं पण ने इस हम सुख सा और नीति पब्लिक भेड़ी हो गए दंगालन में बहुत तगड़ी कोई एक खेत भर जाए भवानी गाँव का अक्षर भवानी गाँव गाँव हाँ रे जगमग मंदिर काचन को बनायो केला मैया को गाजा बाजा सुरा खेगी मान गवैया को जगमग मंदिर काचन को बनायो केला मैया को गाजा बाजा सुरा खेगी मान गवैया को मनायो मैंने सात समंदर कूद लंक में जावालो सीता माता को लंका में पतो लगावालो मनायो मैं सात समंदर कूद लंक में जावालो सीता माता को लंका में पतो लगावालो रसिया उनमें तो बैरवानी बोले ही अब इनमें आदमी बोले ढोलक मजीरा बजावे हाँ। तो फिर रसिया क्यों नहीं होता अब दुनिया का कम पसंद है ऐसा मतलब है ना जुआन ऐसा इन भाई भाई साहब सिर के इनके ना ये अच्छे लगे सुड्डा और बूढ़े बूढ़े इनको रसिया अच्छे लगे ऐसा ही बात है तो अब होते ही नहीं रसिया खत्म ही हो गए अब कम दंगल हो नहीं हो अब आपकी मम्मी गाती थी ना और का क्या गाती थी रसिया गावे ही ने अच्छा कैसे सीखा आपने
वो मेरे जी जी गावे जब वो जुबा गावे जब मेरे शौक लग गो और जब मैं गावे लग गई। ये कॉफी में लिख लूँ मैं वहाँ मैं सीख लूँ इले और काम करता रहूँ काम करता रहूँ और सीख भी लूँ शाम की देख लूँ ऐसा सो देते जब ही टाइम मिले मुझे आते को जब उन देख लूँ इले मारू ढोला मारू का प्रसंग आता है वो है मारू वो गया है वहाँ जब वो दरवाजे के पास में तो दरवाजा उसको देख के हिलने लग गया श्राप था उसको तो वो कह रहा कि मैं बाहर आ जाती हूँ कि नहीं नहीं पर तो सत्रापन घट जाए मैं तो दरवाजे में से ले जाऊँगा बोले ये हिलने लग गया तुमको देख कर नहीं मानता है तो मारू कहती है वहाँ मेरे मारे काए कुमरे मेरे ढोला दरवाजो खावे जाके झोला मेरे मारे बागन में से चली सुता घर को बुध राजा की और हिलकी भर भर रोय सुरत करके दरवाजा की बागन से ढोला चलो हो कर हा असवार महलन में से कह रही बुध की सुता पुकार बैर पुराने ना पड़े हे याकू बरदान और जिंदो छोड़ेगो नहीं इस दरवाजो बेईमान मेरे मारे काए कुमरे ओ मेरे ढोला। ये चलता है डब के साथ पार्टी करती दरवाजो खावे झकझोला जब उसको नीचे जमीन पे बैठकर फर्श बिछाकर गाते थे स्टेज विस्टेज नहीं थी बाद में स्टेज पर लाया हूँ माइक भी नहीं थे पार्टी यहाँ बैठ जाती चार पार्टियाँ चारों यहाँ बैठ गई पब्लिक चारों तरफ बैठी रहती वो पार्टी वहीं गाती थी हम जैसी जे की क्षमता थी वो पार्टी में खड़ा रहकर ही गाता था किसी का आवाज़ नहीं थी तो और मैं उस टाइम भी 10,000 आदमियों को आवाज़ से कंट्रोल करता था बाहर पब्लिक के चारों तरफ राउंड देकर गाता था सारी पब्लिक को देखता हुआ। बाकी संस्कृति तो बहुत पुरानी है लेकिन इसको जैसे हम गाते थे ऐसे नहीं गाया जाता जैसे मीरा ने पद गाए सूरदास ने गाए हैं तुलसीदास ने गाए हैं कबीर जी ने गाए हैं वो भी पद थे ये भी पद हैं लेकिन उनकी शैली वो म्यूजिकल्स थे उनका उनका धुन दूसरा था। अब इस धुन में परिवर्तन कर दिया हम इसको एक घेरे पे बड़े डफ पे बजा करके गाते हैं जबकि वो क्लासिकल में गाते थे हारमोनियम तबला ढोलक उनसे गाते थे तो वो धुन दूसरी थी और ये धुन दूसरी अरे कांसा में का खोट बता चोरो वे भाभी अब ला वो देवर लाडलो बला मुँह फाड़े बदला कांसा में क्या खोट बता क्यों रोवे भाभी अबला देवर लाडलो बला मुँह फाड़े बदला कांसा में कन्हैया तो 100-125 आदमी गाते हैं पुराने गाते थे उस जब कोई व्याकरण नहीं था अनपढ़ लोग थे सभी उसमें गाते थे वो एक उसका मामला।